So dear students, now we will find the general solution of homogeneous linear partial differential equations of second and third order with constant coefficients. So let us take an example. थोड़ा सा मैं रिव्यू बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, चाहे वो रियल होंगे चाहे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, देन जो जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक है, अगर आपके पास जो राइट साइड पे जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है वो जीरो होगा, उस केस में जो जनरल सोल्यूशन होगा डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए वो होगा जेड इज इक्वल टू एफ फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाइव टू y प्लस एम टू एक्स प्लस वन ऐसे चलता जाएगा, n तक चलता जाएगा, ठीक है, मतलब n तब क्या आएगी फाइव एन वाई प्लस एम एक्स, वेयर फाइव वन फाइव टू सो ऑन फाइव एन आर n आर्बिट्ररी फंक्शंस। अगर रूट रिपीटेड होंगे, रूट्स रिपीटेड होंगे चाहे वो रियल होंगे चाहे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, उस केस में जो सोल्यूशन होगा वो जाएगा z इज इक्वल टू फाइव वन प्लस एक्स फाइव टू प्लस एक्स स्क्वायर फाइव थ्री प्लस वन टू प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन फाइव एन, वन पे एक्स की पावर जीरो, टू पे एक्स की पावर वन, एन पे एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, और वाई प्लस एम एक्स क्योंकि एम एम वन एम टू एम थ्री स्क्वायर टू एम एक्स सभी एक्स के बराबर आ जाएंगे, रूट्स रिपीट हो जाएंगे, रूट्स सेम हो जाएंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आ गई आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए, इज इट अ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, और ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर की है। देखिए, हर एक टर्म में पहले पहचानना है कि कौन सा क्राइटेरिया इसको लगेगा, कैसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हर एक टर्म में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर कितना है, टू है, सेम हो गया, दिस मींस होमोजीनियस हो गया। और हर एक पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वन पदेरी कितने होगी, वन, पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन, तो लीनियर, तो इट इज अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और कोएफिशिएंट्स क्या है इसके, कांस्टेंट है, 2.5 इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या, जीरो, पहली टाइप है, ठीक है, क्योंकि जो मैंने टाइप्स बताई थी एक टाइप जीरो वाली है, दूसरी टाइप e की पावर एम एक्स प्लस एन वाई, फिर पता नहीं साइन एम एक्स प्लस एन वाई, फिर हम कॉस में जाएंगे कॉस ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई, फिर पता नहीं एक्स की पावर एन वाई की पावर एन में जाएंगे, है ना, तो फिर उसके बाद वी इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस एन वाई, वेयर वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई और सम ऑफ एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स करेंगे, अभी हम फर्स्ट टाइप पे पहुंचे इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम रूट्स निकालते हैं, रूट्स अगर डिस्टिंक्ट आएंगे तो अलग जनरल सोल्यूशन, अगर रूट्स आपका सेम आएंगे तो अलग जनरल सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका, लिखोगे अब आप कह सकते हो फकर के साथ कह सकते हो, गिवन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स इज, क्या है वो, टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इन ऑपरेटर फॉर्म देखिए कैसे लिखा जाएगा, टू मैंने कहा डेल अपॉन डेल एक्स, डी क्या होता है आपका डेल अपॉन डेल एक्स, और डी डैश क्या होता है आपका डेल अपॉन डेल, पर देखिए डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो जो हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा
तो z प्लस 5 यहाँ डेल z पर डेल x अलग, डेल z पर डेल y अलग, तो यहाँ d भी आएगा और d डैश भी आएगा। प्लस 2 ये डेल अपन डेल y है, तो ये मतलब d डैश का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 के साथ में z भी आएगा, साथ में z भी आएगा। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, 2d स्क्वायर प्लस 5dd डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर z है, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं। और अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें, क्योंकि जो रूट्स निकले थे वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के निकले थे, जो हमने क्राइटेरिया में जनरल क्राइटेरिया में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जेड का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट बाय सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू एम एंड डी डैश इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हो इसको सेकेंड कह सकते हो, जो गिवन थी उसको फर्स्ट कह सकते हो, तो ऐसे कैसे क्लियर हो करके। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ सेकंड इज क्या बनेगी, डी को क्या लेना है एम, डी डैश को क्या लेना है 1, तो बनेगी 2d का स्क्वायर 2m का स्क्वायर प्लस 5d को लेना है m, d' को लेना है 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैसे आई, बाय टेकिंग d इज इक्वल टू m एंड d' इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बनेगा, 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इंटू 0। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकाल सकते हैं, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म 2m स्क्वायर, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, इज इट एनी क्राइटेरिया, यस, 4m प्लस m प्लस 2 प्लस 0 प्लस करूंगा तो 5m मल्टीप्लाई करूंगा 4m स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लीकेशन बननी चाहिए। तो ये मतलब 2m फर्स्ट और सेकंड से कॉमन आएगा, यहां बचा आपका m प्लस 2 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, m प्लस 2 इज इक्वल टू। अब देखिए ये क्या, एक तो m प्लस 2 फैक्टर बनेगा, एक 2m प्लस 1 फैक्टर बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट m प्लस 1 फैक्टर बनेगा, एक m प्लस 2 एक 2m प्लस 1। आइदर m प्लस 2 इज इक्वल 0 और 2m प्लस 1 इक्वल 0, तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू माइनस 2, तो 2m इक्वल टू माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो देयरफॉर रूट्स आर, एक को मानो m1 दिस इज इक्वल टू माइनस 2 और दूसरे को मानो m2 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। ये रूट्स क्या है, मैं तो लिखूंगा रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट गिवन सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स थी, उसका क्या जनरल सॉल्यूशन बनेगा, क्या फॉर्मूला है, z इज इक्वल टू 5m इंटू y प्लस m1, m1 क्या है माइनस 2 इंटू x प्लस 5 2, y प्लस m2, m2 क्या है माइनस 1 बाय 2 इंटू x, वेयर 5m एंड 5 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो ये क्या बनेगा, 5m y माइनस 2x, ये बनेगा 5 2 y माइनस 1 बाय 2 x, थोड़ा और सॉल्व करोगे ये बनेगा 5m y माइनस 2x, तो यहां से आप 2 को कॉमन कर सकते हो, ये 5 2 अपॉन 2 बनेगा, ये बनेगा 2 y माइनस x, तो बेटा 5 2 अपॉन 2 अपॉन 2 लगेगा वो फंक्शन में रहेगा, उसको आप क्लियर ही करते 5 1 y में आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, सॉरी 5 1 एंड 5 2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, लेट मी सी 5 1 एंड 5 2 आर सॉरी आर्बिट्ररी फंक्शंस, कॉन्स्टेंट आल्सो फंक्शंस, ठीक है। तो ये होगा प्लस 5 2 बाय माइनस एक्स आ जाएगा, तो फिर 5 2 अपॉन 2 वो तो फंक्शन ही रहेगा, कैसे, अगर मान लो कोई फंक्शन है एक्स वाई
मान लो x प्लस वाई है ना, ये फंक्शन ऑफ x है। अरे भाई डिवाइड बाई टू करने से भी वो फंक्शन ऑफ x वाई ही रहेगा, इसलिए ऐसा कुछ तो इसमें अपान को करने से फंक्शन ऑफ x वाई नहीं होता कि तब भी वो फंक्शन मिलेगा। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन। एक और हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें सेम रूट्स आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं, उसमें क्या ट्रायंगल मिलेगा। अब देखिए सॉरी क्या क्वेश्चन देखे, डी क्यूब माइनस सिक्स बी स्क्वायर डी डैश, डी क्यूब माइनस सिक्स बी स्क्वायर डी डैश, प्लस 11 डी डी डैश स्क्वायर माइनस 6 डी डैश क्यूब जेड इज इक्वल टू, ये हमने एक और क्वेश्चन। ये देखो इन्होंने ऑपरेटर फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन पहले से, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन अब देखिए, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म चौथी टर्म कैसे पहचान करनी है। पहली टर्म में डी है, डेल अपॉन डेल एक्स जेड भी है, तो ऑर्डर तीन की, ये दो की ये एक ऑर्डर की, तीन ऑर्डर ये एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, तीन ऑर्डर, ऑर्डर इसमें सेम आ रहा है हर एक टर्म का, जिसमें होमोजेनियस है और डिग्री इसकी एक ही आ रही है तो लीनियर। तो गिवन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स, और वो भी किस फॉर्म में, ऑपरेटर फॉर्म में, डी क्यूब माइनस सिक्स डी स्क्वायर डी डैश प्लस 11 डी डी डैश स्क्वायर माइनस 6 डी डैश क्यूब जेड इज इसको फर्स्ट नंबर। अब ऑपरेटर फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई है, इधर से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे बाय सब्स्टिट्यूट डी इज इक्वल टू एम एंड डी डैश इक्वल टू 1, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कैसे मिलेगी, डी को एम लेने से 6 एम स्क्वायर डी डैश 1 प्लस 11 इंटू एम 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 इक्वल टू 0, रिजल्ट का कोफिशिएंट होता है वो होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग डी इक्वल टू एम एंड डी डैश इक्वल टू 1। यहां से क्या मिलेगा, कैसे मिलेगी तो देखो, बाय टेकिंग डी इज इक्वल टू एम एंड डी डैश इक्वल टू, यहां से देखिए ये बनेगा एम क्यू माइनस 6 एम स्क्वायर प्लस 11 एम माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये जो इस पॉलीनोमियल का जो थर्ड है ना पावर कितनी है, 3 क्यूबिक पॉलीनोमियल, कौन सी है, क्यूबिक पॉलीनोमियल, और इसमें क्या करेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर सकते हैं। एक रूट देखते हैं कैसा निकलता है, सिंथेटिक डिवीजन क्या कहते हैं कि एक रूट आप हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो और अदर रूट आप उसकी हेल्प से सॉल्व करो। कैसे, अगर मैं 1 से शुरू करूँ फिर माइनस 1 पे जाऊंगा अगर 1 नहीं होगा, फिर 2 पे 2 नहीं होगा, माइनस 2 पे 3 नहीं होगा, माइनस 3 पे 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 चलते जाऊंगा। मैं 1 से शुरू करता हूँ, अगर मैं 1 देखूँ कि इसका रूट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं 1 को सब्स्टिट्यूट करूँ क्या वो 0 देते हैं, देखिए 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 करते जाता है 0 आता है, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 ये माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 प्लस 11 माइनस 11 क्या आ गया, सी यस एम इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ इट्स रूट। क्लियरली हियर
m is equal to 1 is 1 of the root is first is a root of second का ये root other roots so एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे इसके तीन एक तो निकल गया अदर रूट्स कैन बी ऑब्टेन बाय सिंथेटिक डिवीजन वो क्या कहता है देखिए कैसे यहां आपने ऐसे ठीक है तो यहां देखिए जो इसके कोफिशियंट है उनको लिखना है इसका कोफिशियंट क्या है 1 फिर माइनस 6 फिर 11 फिर माइनस 6 सीक्वेंस वाइज 1 फिर माइनस 6 फिर 11 फिर माइनस 6 नीचे जीरो फार्मूले का रूट जो है यहां लिखना है जो एक रूट है अब देखिए 1 प्लस 0 किया 1 इनको मल्टीप्लाई करते जा रहे रिमाइंडर आ रहा है जो ऐड करके बढ़ते जा रहे हैं 1 प्लस 1 2 इनको ऐड करो माइनस 4 करते जाओ मतलब यहाँ लिखते जाओ माइनस 4 11 माइनस 4 7 करते जाओ मतलब 7 बन जाए 7 करो लास्ट में क्या आया 1 1 तो मैंने चाहिए था लास्ट में 0 आना चाहिए लास्ट में 0 आना चाहिए अगर 0 नहीं आ रहा दिस मींस आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया ठीक है देखिए 1 माइनस 6 11 माइनस 6 0 1 प्लस 0 1 बन जाए 1 सॉरी 1 बन जाए 1 तो माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 और बेटर वे माइनस 5 11 माइनस 5 6 6 बन जाए तो 6 लास्ट में क्या आना चाहिए 0 चेक हो गया लास्ट में 0 आना चाहिए तो ये आपका होगा अब क्या होगा तो आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे एक तो बन गया एन इक्वल टू बनेगा रूट है तो फैक्टर क्या बनेगा एन माइनस 1 तो ये बनेगा फैक्टर बनेगा इसका दूसरा फैक्टर क्या बनेगा ये वाला ये पावर 3 का था ये रिड्यूस होकर पावर 2 में चला जाएगा ये कोफिशिएंट बनेगा पावर 2 का ये कोफिशिएंट बनेगा पावर 1 का ये बनेगी कांस्टेंट टर्म इस पर से क्या निकल के आता है माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और टर्म स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0 m माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या देगा दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 1 और अब इसकी बात करते हैं इसके रूट्स में स्प्लिट इन द मिडिल टर्म m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0 देखिए माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन क्या बने 6m स्क्वायर तो ये बनेगा 6m स्क्वायर बनेगा मिडिल यहाँ से बनेगा एक तो रूट आया एम इक्वल टू 1 तो दूसरा बनेगा यहाँ से आप एम कॉमन ले सकते हो यहाँ से बनेगा एम माइनस 3 यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन ले सकते हो एम माइनस 3 तो यहाँ से बनेंगे एम इक्वल टू 1 तो यहाँ से एम माइनस 3 बनेगा ये तो बनेगा एम माइनस 2 यहाँ से बनेगा एम इक्वल टू 1 एक बनेगा 2 तो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं दोबारा क्या आ रहे हैं डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो रूट्स क्या रियल भी हैं एंड डिस्टिंक्ट है देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज वो वैसा का वैसा बनेगा z इक्वल टू 5y वाई प्लस m1s अगर मैं इसको m1 मान लूं इसको मैं m2 मान लूं और इसको मैं M3 मान लो ये M3 है ये M2 है और ये M1 है तो उस केस में क्या y is M1 is y plus 1 into x plus y plus M2x M2 क्या है 2x plus 4 y plus ठीक है सो सेम रूट्स वाला एक क्वेश्चन है जे द्वारा डिस्टिंक्ट रूट्स वाला है सेम रूट्स का क्वेश्चन
25R minus 40S plus 16P is equal to 0. Example third. Solve 25R minus 40S plus 16P is equal to 0. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन बराबर आर आर पता है, एस पता है, टी पता है, आर क्या होता है? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. एस क्या होता है? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पाई. और टी क्या होता है? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. और हर एक टर्म में या तो आर होना चाहिए या तो एस या तो टी. यहाँ आ रहा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ पी है. दिस मीन्स ये सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. क्लियर? क्या आपको पिक्चर इससे क्लियर हो? तो गिवन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स क्या है? 25R plus 40S प्लस 16T आई थिंक माइनस 40S दिया है इसने. जो माइनस 40S प्लस 16T इज इक्वल टू ये क्या अप्लाई करेगा? 25R क्या होता है आपका? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. माइनस 40S क्या होता है? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई. प्लस 16T क्या होता है? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इन ऑपरेटर क्या बनेगा? ये 25 डेल अपॉन डेल एक्स क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स और डी डी का स्क्वायर. माइनस 40 ये डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई ये डी डी डैश. प्लस 16 ये डेल अपॉन डेल वाई क्या होता है? डी डैश स्क्वायर है. डी डैश का स्क्वायर और जब को मैंने क्या निकाल दिया फॉर्मूला इसको मैं जो गिवन थी उसको मैं फर्स्ट मानता हूँ और जो सिंबॉलिक फॉर्म में मिली जो मुझे ऑपरेटर फॉर्म में मिली उसको मैं सेकंड. जो सेकंड की फिर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लूंगा. ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ सेकंड वो क्या बनेंगे? डी को क्या लेते हैं? एम और डी डैश को 1. 40 एम इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 का स्क्वायर. तो एग्जैक्ट कोएफिशिएंट कैसे आती है? डी को एम लिख दें और डी डैश को. तो यहां से क्या निकल के आएगा? 25 एम स्क्वायर माइनस 40 एम प्लस 16. अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन करना. 40 को तोड़ना है. फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? 250 25 250 और 150 400 कितना? 25 और 16 की मल्टीप्लिकेशन 400 400 एम स्क्वायर बनना चाहिए. आई थिंक 20 इंटू 20 ये ब्रेक हो जाएगा. फैक्टराइजेशन कैसी होगी? 25 एम स्क्वायर माइनस 20 एम माइनस 20 एम प्लस 16. क्यों? माइनस माइनस प्लस होगा. साइन माइनस का 40 एम माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में. 400 एम स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? इन दोनों में से क्या फॉर्मूला आएगा? आई थिंक यहां से क्या बन जाएगा? 5 और एम क्या बचेगा? 5 5 6 25 एम भी बचेगा. 5 4 6 20 एम कॉमन माइनस यहां से कॉमन क्या आएगा? आई थिंक 4 आएगा. 4 5 6 20 एम रहेगा अंदर. माइनस भी रहेगा, माइनस 12 आ गया. 4 4 0 0 0 यहां से बनेगा. एक बनेगा 5 एम माइनस 4 फैक्टर और दूसरा भी क्या बनेगा? 5 एम. This implies either वही चीज आ जाएगी. 5 एम माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना. 5 एम माइनस 4 इक्वल टू 0 और 5 एम माइनस 4 इक्वल टू 0 यहां से 5 एम इक्वल टू 4 यहां से भी 5 एम इक्वल टू 4 यहां से 5 एम इक्वल टू 4 बाई 5 तो सी एम वन का फोर्स का नाम
दोनों इक्वल हैं, दोनों का नाम एम आ गया। सिंस रूट्स आर रियल एंड सेम, रियल एंड सेम, सो इट्स जनरल सॉल्यूशन इज क्या बनेगा, वो बनेगा आप सबको पता है जेड इज इक्वल टू फाइव वन प्लस एक्स, क्योंकि दो ही तो रूट्स हैं। अगर दो रूट्स हैं फाइव वन प्लस एक्स फाइव टू, अगर तीन होते प्लस एक्स स्क्वायर फाइव थ्री, ठीक है, इंटू वाई प्लस एम, एम क्या है फोर बाई फाइव, थोड़ा सा सिंपलीफाई करके बन जाएगा जेड इज इक्वल टू फाइव वन प्लस एक्स फाइव टू, तो ये तो फाइव वाई प्लस फोर एक्स वन पॉइंट फाइव बार आ जाएगा, वो हमेशा फंक्शन के साथ मिलकर फंक्शन की बन जाता है, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया जाता। वन पॉइंट फाइव अगर किसी फंक्शन से मिलकर होगा तो द्वारा फंक्शन नहीं किया जाएगा, इसलिए फाइव वन प्लस फोर, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन व्हेन द रूट्स आर रिपीटेड। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कभी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, कभी डिस्टिंक्ट, कभी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे बट सेम, ठीक है। फिर आगे आगे हम इक्वल टू जीरो की जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, फिर हम साइन फंक्शन लेंगे, फिर कॉस फंक्शन लेंगे, उस केस में ज्ञान एक्सेप्ट करेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। टिल देन टेक केयर।